नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी और मेरे साथ है सुकेश रंजन। और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं, 24 की रेस। बताएंगे सुकेश सर, संसद में महिला आरक्षण का जो विधेयक पेश हुआ था वो तो पास हो गया, उसके ऊपर बातें भी चल रही हैं। लेकिन जब ये विधेयक पास हो गया है, जब इसे पास करने के लिए संसद में पेश भी किया गया, उसमें से एक चिंगारी और एक आग कहिए, एक बात कहिए, वो निकल के सामने, ओबीसी आरक्षण और सेंसस, जातीय जनगणना। अब सर, अब धीरे धीरे उस आरक्षण की बात कम होने लगी है, महिला आरक्षण की बात कम होने लगी है। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सभाएं करता है जब विपक्ष, तो ओबीसी की अब मुद्दा उठाते हैं, आरक्षण के अंदर आरक्षण देने की बात करते हैं। सर, क्या अब आपको लगता है कि जो ओबीसी का मुद्दा होने वाला है वो आने वाले चुनाव में और ज्यादा बड़ा होने वाला है, और विपक्ष इसी को लेके आगे बढ़ने वाला है और प्रधानमंत्री मोदी को घेरने वाला है, जो कि खुद को ओबीसी कम्युनिटी से बताते हैं? देखिए, ओबीसी 2024 के चुनाव के सेंटर में होगा जी, ये बड़ा क्लियर हो गया है। जिस तरीके से ओबीसी को एक पुश दिया जा रहा है, उस मुद्दे को एक पुश दिया जा रहा है और प्रोमिनेंट नेताओं के द्वारा दिया जा रहा है। अभी तक ये पुश जो था वो जो समाज के उस वर्ग से निकले हुए नेता थे, खासतौर पे जो रीजनल क्षत्रप थे, वो इसको बहुत जोर शोर से उठाते थे। जिस तरीके से एक राष्ट्रीय पार्टी ने इसको अपना एक मुद्दा बनाने की कोशिश की है, अपने आप को अलाइन करने की कोशिश की है, वो साफ तौर से, कल भी मैंने इसकी तरफ इशारा किया था कि क्या ये महिला आरक्षण की काट की तरह देखा जाना चाहिए जी। राहुल गांधी के आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात को सेकंड करता है। एक ऐतिहासिक बिल पास हुआ है, जो किसी भी सरकार के जद के बाहर की बात हो गई थी जी। 1996 से इस पर प्रयास चल रहे थे, एक नहीं कई प्रयास किए गए, अलग अलग सरकारों द्वारा किए गए, देवगौड़ा से शुरू हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, सबने कोशिश कर ली, अभी तक ये नहीं हो पा रहा था। इस सरकार ने ये कर दिखाया। ये एक लार्जर लेवल पे एक मैसेज भी देने की कोशिश थी और इसीलिए स्पेशल सेशन बुलाया गया था। 2023 चुना गया 2024 के पहले, साफ तौर पे एक पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए। लेकिन उससे एक जो मुद्दा सामने निकल कर आया वो ओबीसी का आया। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया राहुल गांधी ने, उसमें कहा कि प्रधानमंत्री ने ओबीसी के लिए किया क्या है, जातीय जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं पता लगना चाहिए कि ओबीसी इस देश में कितने हैं जी। अब ये पुश जो है ये बताता है कि आने वाली राजनीति किधर जाने वाली है। एक मैं खाका खींच के आपको बता देता हूं कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को 24 में ओबीसी के प्लैंक पे ही घेरने की कोशिश कैसे होगी। मसलन बिहार, वहां जातीय सर्वेक्षण हो चुका है जी, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। मुझे लगता है कि समय का इंतजार हो रहा है। पहले मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, बहुत सारे लोग उस पर अवेयर होंगे कि बिहार में स्थानीय निकाय के चुनाव में 50% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व थे, आरक्षित है जी। अब उसके थोड़ा निटी ग्रिटी में जाइए, 50% के इतर 20% सीटें जो है वो ईबीसी के लिए रिजर्व है, फिर 16% जो और है वो SC ST के लिए रिजर्व है, बाकी बच गया 14%। अब ये जो ईबीसी 20% है महिलाओं के लिए रिजर्व, जो 50% है वो अलग है, जो ईबीसी है वो 20% अलग है जी। अब ये जो जातीय सर्वेक्षण हुआ है और जिस तरीके का ये मूड है और जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश है, पूरी ओबीसी जाति को लामबंद करने की अपने पीछे कोशिश है, तो मुझे इस बात का हंच हो रहा है कि कहीं आने वाले दिनों में इस जातीय सर्वेक्षण को देखते हुए इस ईबीसी के कोटे को बढ़ा ना दिया जाए।
और उनकी संख्या ज्यादा है जी, अभी उसमें सवर्ण भी आते हैं, उसमें एक कैटेगराइजेशन करके उस ओबीसी को इंक्लूड कर लिया जाएगा, क्योंकि 14% अभी भी बाकी है। हो सकता है कि यह पुश दिया जाए कि ये क्या करेंगे जी, इन्होंने तो महिलाओं को आरक्षण दिया, वो आरक्षण पता नहीं कब लागू होगा, क्योंकि 24 में सेंसस अभी तक, 23 में अभी तक सेंसस शुरू हुआ नहीं, और यह भी फैलाने की कोशिश होगी। हालांकि संगठनात्मक तौर पे अगर आप देखें तो बीजेपी ज्यादा पावरफुल है जी, उनकी रीच गांव गांव तक है, उनका काडर गांव गांव तक है, तो वो ये मैसेज माउथ पब्लिसिटी जो होती है वो फैलाने में माहिर है। लेकिन कोशिश विपक्ष की तरफ से भी होगी कि ये जो महिला आरक्षण है, पहले तो इसके लिए दो जो उसके उसके साथ राइडर लगाए गए हैं कि पहले जनगणना होगी, अब 24 में जब चुनाव है तो वही लोग जनगणना में शामिल होते हैं उस प्रक्रिया में जो चुनाव में शामिल होते हैं, जो चुनाव की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो जब 24 में चुनाव होगा और मई तक ये चुनाव करा लेना है, नई सरकार का गठन हो जाना है, तो अब अभी जनगणना की प्रक्रिया शुरू करना मुश्किल है जी। मतलब ये कि 24 मई तक जनगणना की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी जी, सरकार गठन के बाद जनगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। फर्ज करिए कि ये सरकार आ भी जाती है जीत के, तो जनगणना की प्रक्रिया में समय लगेगा। और फिर आपने कहा है कि 26 में डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो बैठकर तय करेगा जी, फिर उसमें एक समय लगेगा और फिर उसकी रिपोर्ट के बाद चिन्हित होगी कि महिलाओं की सीटें कौन सी होगी। मतलब आपके लिए दूर की कौड़ी है, यह बताने की कोशिश होगी विपक्ष के द्वारा, और साथ में यह पुष्ट देने की कोशिश होगी कि इसमें तो ओबीसी को छोड़ दिया, और 31 में ये 52% थे जी, तो अब क्या ये बढ़ गए हैं? बिहार का जातीय सर्वेक्षण अगर इस तरफ इशारा करेगा कि हमारी संख्या ओबीसी की संख्या ज्यादा हो गई है, तो एक माहौल बनाने की कोशिश वहां से होगी। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाले दिनों को देखिए जी, ध्यान से उस पर गौर करिए कि आने वाली राजनीति किधर जाने वाली है। तो बिहार से यह पुश दिया जाएगा, और अब मुझे एक बात का अंदेशा और है कि कर्नाटक में भी यह प्रक्रिया हुई थी जिसको जारी नहीं किया गया, वो सिद्धारमैया की पुरानी सरकार ने कराई थी। अगर वो फेवरेबल डेटा है तो मुझे लगता है कि एक साउथ से जारी किया जाएगा जी, और पूरे देश में यह माहौल बनाने की कोशिश होगी कि ओबीसी की संख्या जो 31 में 52% थी वो बढ़ गई है, और उस ओबीसी के साथ न्याय नहीं हो रहा है जी। एक तरफ से बीजेपी की कोशिश होगी कि नरेंद्र मोदी को ओबीसी के बड़े चेहरे के तौर पे दिखाया जाए, वो तो ये कहते हैं कि पहले प्रधानमंत्री, हालांकि बाद में लोगों ने कहा कि नहीं देवगौड़ा थे जी, और देवगौड़ा को हटा दीजिए तो चरण सिंह भी कुछ समय के लिए थे, लेकिन वो भी थे, वो भी ओबीसी प्रधानमंत्री है, क्योंकि जाट उत्तर प्रदेश में ओबीसी के तहत आते हैं, तो वो बात अलग है। प्रधानमंत्री की एक अपनी पॉपुलैरिटी है, अपनी लोकप्रियता है, वो अपनी पिच पे खेल रहे हैं, ये एक उनका एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक की तरह था, लेकिन इसने विपक्ष को लामबंद कर दिया है, और जो कोशिश हो रही है कि कांग्रेस की पूरी राजनीति ओबीसी के इर्द गिर्द, उनके सहयोगियों की पूरी राजनीति ओबीसी के इर्द गिर्द, इस सरकार को ओबीसी विरोधी बताना, एक नॉर्थ से एक साउथ से ये डेटा आना कि ओबीसी की संख्या ज्यादा है, एक तरफ से हो सकता है ये घोषणा होना कि हम स्थानीय निकायों में वहां उनकी सरकार है जी जी, और कोई इसका विरोध नहीं कर सकता, तो ओबीसी के लिए फर्दर आरक्षण स्थानीय निकाय के चुनावों में सर, तो ये एक पुश देगा फर्दर कि ओबीसी लामबंद हो जाए, और जितने क्षेत्रीय क्षत्रप इनके पास है वो सब ओबीसी अपने अपने इलाके में के मजबूत नेता है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे शरद पवार हो, ये तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जिनके पीछे ओबीसी लामबंद हो सकते हैं। सर एक और मेरा सवाल ये है कि आप अपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि नरेंद्र मोदी अपनी पिच पे खेलते हैं, हमने सबने देखा 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में भी ओबीसी वोटर्स ने खुल के प्रधानमंत्री मोदी को वोट किया था। प्रधानमंत्री मोदी खुद को भी बताते हैं मैं ओबीसी से ओबीसी कम्युनिटी से आता हूं, मैं उनके लिए बात करता हूं, 15 अगस्त वाले दिन भी उन्होंने भाषण दिया और एक योजना भी लॉन्च की। लेकिन सवाल सर ये है कि जिस पिच पे पीएम मोदी 2014 से खेलते आए हैं उस पिच पे
विपक्ष को जाना, एकदम से कांग्रेस का शिफ्ट करना, क्या आपको लगता है कि एक वो पुश देगा सच में, उनकी क्रेडिबिलिटी को डाउन करेगा कि ओबीसी वोटर्स ना जाएं बीजेपी की तरफ, एनडीए की तरफ? सीएसडीएस का आंकड़ा ये बताता है कि करीब 44% ओबीसी वोट जो है वो 19 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में पड़े थे। ये आंकड़ा 2004 और 9 में देखेंगे तो कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा था, उनके पक्ष में करीब 25% के आसपास था। बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी थी जिनको ओबीसी वोट किया करते थे। तो ओबीसी की पहली पसंद 14 और 19 में नरेंद्र मोदी हुए जी। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में जहां एक आरक्षण का विधेयक पास होता है और उसमें एक पूरा वर्ग, एक पूरा ब्लॉक ओबीसी महिलाओं की बात करने लगता है, एक पूरा ब्लॉक जातीय जनगणना की बात करने लगता है, एक पूरा ब्लॉक इस बात की तरफ इशारा करने लगता है कि इनका रिप्रेजेंटेशन सिंबॉलिक है, आयोग को संवैधानिक दर्जा दे देना या इतने हमारे ओबीसी के एमपी हैं ये बता देना, ये सिंबॉलिक है जी, ये माइंड गेम है, ये पब्लिसिटी का खेल है, ये नैरेटिव बिल्डिंग का खेल है। आशुकेश, इसको समझना पड़ेगा कि जनता तक क्या मैसेज परकुलेट करके जाता है। क्या नरेंद्र मोदी अपनी उसी इमेज के साथ सक्सीड कर जाते हैं? जानकार कहते हैं कि 44% वोट, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता ओबीसी का उनके पक्ष में जाना, यह घटेगा, लेकिन कितना? क्या ये नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, वेस्ट से शरद पवार, साउथ से एक आंकड़ा आ जाना सिद्धारमैया और तमाम जो उनके बड़े नेता हैं, ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है, ये कैलकुलेटेड पुश है। अगर आप देखें तो ये भी फैलाने की कोशिश होगी, बताने की कोशिश होगी, कितने लेवल तक बता पाएंगे मालूम नहीं। कांग्रेस के जो अभी सीएम है उसमें 3 ओबीसी वर्ग से आते हैं, आज की तारीख में जितने सीएम है बीजेपी के, मेरे ख्याल से उसमें 1 या 2 ओबीसी वर्ग से आते हैं जी। बीजेपी ज्यादा स्टेट में रूल कर रही है, तो उनको डॉक में डालने की कोशिश होगी कि प्रधानमंत्री खुद को ओबीसी बताते हैं, लेकिन ओबीसी की असली हितैषी ये पार्टियां हैं जो आपके आरक्षण की बात कर रही है, जो महिलाओं में भी आरक्षण की बात आखिरी वक्त तक करती रही। तो एक तो महिला, एक पूरे ब्लॉक के साथ इन्होंने धोखा किया है, क्योंकि महंगाई है, आपके बच्चों को रोजगार नहीं है, तो आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं आरक्षण को लेकर, कब देंगे इन्होंने कुछ क्लैरिफाई नहीं किया, हम तो तुरंत देने की मांग कर रहे थे, हमारा जो बिल था अगर उसको पास करते तो तुरंत आरक्षण लागू होता जी। इन्होंने 2 राइडर ऐसे लगा दिए जिससे तुरंत लागू नहीं हो सकता, और ओबीसी को हटा दिया, और साथ में मैं कह रहा हूं कि बिहार फॉर्मूला, और ये मेरा बड़ा स्ट्रांग हंच है कि वो जातीय सर्वेक्षण आने वाले समय में जब चुनाव पीक पे होगा उस वक्त जारी किया जाएगा, जिससे ओबीसी में लामबंदी दिखाई जाए, बिल्कुल। और क्या ये पुश करेगा इंडिया ब्लॉक को भी कि किसी ओबीसी चेहरे को आगे ही कर दिया जाए, सीधी लड़ाई लड़ ली जाए जी। तो ये पूरी लड़ाई आने वाले दिनों में ओबीसी समुदाय को लेकर है, उस बड़े वर्ग को लेकर है जो डिसाइसिव है, जो किसी भी पार्टी को, किसी भी ब्लॉक को जिताने का मादा रखता है। कौन सक्सीड करेगा यह मालूम नहीं, लेकिन ये पूरी राजनीति ओबीसी के इर्द गिर्द होगी, और एक कैलकुलेटेड पुश इंडिया ब्लॉक की तरफ से है कि यह पूरी जो हमारी, हमारा फसल जो लहलहा रहा था वो काट के नरेंद्र मोदी ले गए, उसको किसी तरीके से वापस लाना है। मतलब बेसिकली सर ने बिहार का फॉर्मूला बताया, 50% महिलाओं के लिए, 20% टीबीसी के लिए, उसके बाद से एससी एसटी के लिए वहाँ पे रिजर्वेशन निकाय चुनाव में, उसके अलावा राजस्थान में सुना जा रहा है ओबीसी रिजर्वेशन को बढ़ाया जाना है 22% से करके 27% किए जाने की बात चल रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी यूपी में ओबीसी रिप्रेजेंटेशन को अपने पार्टी में ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओबीसी की बात कर रहे हैं।
संसद में ओबीसी सांसदों का आंकड़ा बताना पड़ा है बीजेपी को, यानी पूरी की पूरी राजनीति ओबीसी पे होने वाली है 2024 में। हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, देखते हैं कहां तक ये राजनीति जाती है। जैसे जैसे मुद्दे आएंगे हम वैसे वैसे उस पर बात करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही।